will be now this. Well, sound waves में last class हम लोग देखे हैं कि कैसे velocity of wave निकाला जाता है. It depends upon what are the factors. क्या क्या factors के ऊपर sound wave का velocity का medium depend करता है? डायरेक्टली होता है और इनर्शिया फैक्टर से इनवर्सली होता है. न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कम अप विथ अ फॉर्मूला. ही ट्राइड टू कम अप विथ अ फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि कैसे साउंड प्रोपगेट करता है. हाउ डज इट प्रोपगेट थ्रू एयर? आज एग्जाम लेना होगा. और कैसे लॉन्गिट्यूडनल मत कैसे? हाँ, मैकेनिकल वेव, लेकिन कैसे कैसे? हाँ, इलास्टिक कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन. सो व्हाट डिड आई से कि कंप्रेशन और रेरिफैक्शन जब होता है वहां पर प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है. कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ता है और रेरिफैक्शन में सिंपल थिंग इज कॉमन सेंस. व्हेन वी अप्लाई आवर कॉमन सेंस सब बनेगा. अगर हम वो बंद कर देंगे ना तो जितना भी रूल लगा रहा. ठीक है, सो कंप्रेशन मतलब क्या? Pressing something up, so obviously pressure बढ़ेगा. Rarefactions मतलब pressure घटेगा. But ये जो compression rarefaction होता है, या हम लोग जब घर के अंदर एक room के अंदर बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए room का कोई temperature change हो रहा है? Obviously नहीं. Room में बात करने से temperature change हो जाता है, ऐसा नहीं होता. फिर cold countries में सब लोग sound system on करके रखते हैं कि सब गर्म हो जाएगा. ऐसा तो नहीं होता है ना. तो न्यूटन ने बताया कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो हम लोग बॉयल्स का अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर पीवी इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी बॉयल्स का, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बॉयल्स का. पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस सिचुएशन. सो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, राइट? अब वो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि वेलोसिटी होता है रूट ओवर ऑफ बल्क मॉड्यूलस बाय সেটা সলিড সেল জন্য. আমরা তো গ্যাসের মধ্যে স্পিড ডিটারমাইন করছি না, আগের দিন পড়েছিলাম দেখো. Yes sir. Velocity of sound in air is root over of bulk modulus by density. You know what is bulk modulus? Formula क्या bulk modulus का? कोई बता पाएगा? Bulk modulus का formula क्या है? Delta V ना, delta P. P by delta V by D. Stress by strain. Stress is the volume stress, which is delta P, or delta V by V is the volume strain. Right? Remember this? So, हम लोगों को ये निकालना है. ये निकाल के उसका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ डाल देंगे तो हम लोगों को स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला मिल जाएगा. राइट? तो न्यूटन ने क्या किया? Write this down quickly. न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर Newton's formula for speed of sound in air. Newton's formula for speed of sound in air. According to Sir Isaac Newton. Achha, anyhow, according to Newton, the propagation of sound through air is an isothermal process. Is an isothermal process. Isothermal process. You remember what is isothermal process? Iso means जिसको हम लोग डी मतलब स्मॉल चेंजेस के लिए डीपी बाई डीवी बाई वी भी बोल सकते हैं ना, स्मॉल चेंजेस के लिए. तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं. किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? उसी के रेस्पेक्ट, v के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं. तो ये प्रोडक्ट रूल होगा p into v. तो
पी को डिफरेंशिएट करेंगे तो डीपी डीवी वी कांस्टेंट होगा, फिर वी को डिफरेंशिएट करेंगे तो पी कांस्टेंट होगा, डीपी बाय वी इज 1 राइट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा 0 कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से 0 होता है राइट। तो हम लोगों को क्या चाहिए था ध्यान से देखो, डीपी चाहिए वो भी न्यूमरेटर में और डीवी बाय वी चाहिए, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये पी को इधर रख रहे हैं और ये पूरा चीज को उधर लेके जा रहे हैं, माइनस डीपी बाय डीवी, अच्छा ये था ना माइनस वी डीपी डीवी, अब पी क्या है डीपी बाय डीवी बाय वी, यू नो व्हाई न्यूमरेटर में है, वी कैन ब्रिंग इट टू द डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर राइट। सो देखो ये आ गया हम लोग का क्या बल्क मॉड्यूलस, वही फॉर्मूला है। सो बल्क मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग द बल्क मॉड्यूलस फॉर हियर, प्रेशर। तो न्यूटन ने बताया देयरफॉर वेलोसिटी शुड बी रूट ओवर ऑफ बल्क मॉड्यूलस बाय रो, दैट मींस पी बाय रो, प्रेशर बाय रो आना चाहिए ठीक है। अब बहुत इजी है, क्यों, प्रेशर तो एयर प्रेशर हम लोग बैरोमीटर से मेजर कर सकते हैं और डेंसिटी ऑफ एयर भी मेजर कर सकते हैं, दोनों को वैल्यू यहां पर डाल दिए वेलोसिटी निकल गया, द वैल्यू कम्स आउट टू बी नियरली इक्वल टू 280 मीटर्स पर सेकेंड, 30-40 कम था राइट। सो मेजर मतलब एक्सपेरिमेंटल, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज नियरली 330 मीटर पर सेकेंड, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का वैल्यू नियर अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस अबाउट 50 मीटर पर सेकेंड, दैट्स अ लॉन्ग ह्यूज डिफरेंस, इतना डिफरेंस हम लोग नहीं ले नहीं सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल और रियल वैल्यू में डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत होता है ठीक है, अगर इवन 10 तक डिफरेंस होता तभी वो एक्सेप्टेबल था, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ ठीक है। सो खुशी हुआ नहीं हुआ क्या, न्यूटन पहली बार गलत, अच्छा ठीक है। सो लैपलेस लैपलेस करेक्शन, लैपलेस केम अप विथ अ करेक्शन, स्कूल में सबको इसका स्पेलिंग रॉन्ग लिखा था, लैपलेस लैपलेस, अरे होता ही है, मतलब मेरा भी, मैं भी जब लिखता हूँ ना बहुत सारी जगह में स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, द मेन प्रॉब्लम इज यू नो दिस अ प्रॉपर नाउन, एक्चुअली इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर नाउन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता है, मतलब यू कैन नॉट टेक अप एनी स्पेलिंग मिस्टेक फॉर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज स्पेलिंग मिस्टेक फाइन, सो इट इज फॉर जायो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रीजन और लॉजिक बिहाइंड इट, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉजिक मिस्टेक हो जाता है तो सारा प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम ठीक है। सो लैपलेस करेक्शन, लैपलेस ने बताया कि सब लोग न्यूटन ने कंसिडर तो कर लिया कि वो क्या क्या प्रोसेस है, ओ लिखना भूल गया, अब लिखा है ना, सो न्यूटन ने इस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस लिया, लेकिन देखो स्पीड ऑफ साउंड कितना है, नियरली यू नो वन हाउ मच इज 1 मीटर, अबाउट 3 फीट राइट, अबाउट इतना या थोड़ा सा ज्यादा होगा, थिंक ऑफ 330 टाइम ऑफ दिस ट्रैवलिंग इन हाउ मच टाइम, सो द प्रोसेस इज वेरी फास्ट, कोई भी फास्ट प्रोसेस आइसोथर्मल बन सकता है, कोई भी फास्ट प्रोसेस कंप्रेशन रेडिफेक्शन होता है ना, इट फॉल्स अंडर एडियाबेटिक प्रोसेस, बिकॉज वहां पर हीट एक्सचेंज होने का वो टाइम देता नहीं, ठीक है। सो लैपलेस टोल्ड सिंस द प्रोसेस इज वेरी फास्ट इट शुड बी टेकन अंडर व्हाट प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट दिस डाउन, लैपलेस करेक्शन के नीचे, सिंस द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन, सिंस द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन
takes place very fast, hence there is not enough time for heat exchange to take place. Thus, the process should be adiabatic and not isothermal. The process should be adiabatic and not isothermal. Or adiabatic process mein kya hota hai? Cp by Cv ka wo lambda. Right, gamma. So Pv to the power gamma is equal to constant hota hai. Kya hota hai? Pv to the power gamma equal to constant. Pv equal to constant नहीं होता है. So हम लोग फिर से ये formula के हिसाब से bulk modulus निकाल रहे हैं. तो फिर से differentiate करते हैं. P को differentiate करेंगे तो कुछ नहीं. V to the power gamma dpdt plus P into इसको differentiate करेंगे तो gamma V to the power gamma minus 1 is equal to constant को differentiate करने से 0, right? अब हम लोग को क्या निकालना है? What do we need to find out? कर क्यों रहे हैं हम लोग? हम लोग को ये चाहिए, ये वाला फॉर्म चाहिए, dp by dv, ये चाहिए. तो हम पहले dp को उधर लेके जाते हैं. So क्या रहेगा? Gamma p into v to the power gamma minus 1 is equal to minus of v to the power gamma dp. So that is equal to gamma p v to the power gamma minus 1. अच्छा फिर से ये गामा माइनस वन डालने की जरूरत नहीं है. हम ये गामा माइनस वन को इधर लेके आ रहे हैं. सो वी टू दी पावर गामा बाय वी टू दी पावर क्या आएगा बताओ जल्दी से क्विकली. वी आ गया है. यू अंडरस्टैंड दिस? गामा नीचे गामा माइनस गामा प्लस वन बन जाता है. सो ऊपर है शुद्ध वी आ जाता है. सो बड़ा process gamma p equal to minus dp by v. So bulk modulus क्या होना चाहिए? gamma into p होना चाहिए, right? Not only p. So इसके हिसाब से, therefore velocity of sound in air should be v equal to root over of gamma p by rho. क्यों? क्योंकि ये gamma p है हम लोग का bulk modulus. gamma p है bulk modulus. And you know that gamma is a quantity which is always greater than 1. Because cp by cv होता है, cv greater होता है, right? So जब हम लोग इससे calculate करते हैं, तब it comes out to be about 331.2 meters per second, which is pretty close to the experimental value. Alright? So, tab ye value was accepted and we could work with this value. Clear? Is this clear to all of you? Mujhe aise even a jhat pat ek tukhani what are the factors on which it depends? Acha ye bana lo jaldi se quickly and then I'll tell you. So ये फॉर्मूला देख के हम लोगों को लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करना चाहिए और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए. हाँ, रो डेंसिटी है तो अरे इनर्शिया फैक्टर है, लेकिन वो इनर्शिया फैक्टर कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा? डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? वो डेंसिटी में तो मास होता ही ना, तो इसीलिए वो इनर्शिया फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ एंड कांस्टेंट वॉल्यूम लेकिन एक्चुअली में रियल लाइफ में क्या क्या होता है? देखो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन 1 डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है? क्यों हम देख रहे हैं?
वन बाई रो है, सो वी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई रूट रो, मतलब एयर का डेंसिटी घटेगा तो स्पीड ऑफ साउंड घटेगा और एयर का डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड घट जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन देखो फॉर्मूला देख के ये भी लग रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी प्रेशर चेंज करता है, प्रेशर चेंज करता है हाँ, उसके हिसाब से वॉल्यूम अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और डेंसिटी भी चेंज हो जाता है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ जाता है और प्रेशर घटता है तो डेंसिटी भी घट जाता है, और उससे क्या होता है प्रेशर चेंज के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब डेंसिटी घट जाएगा, राइट? सो राइट, डेंसिटी जो कमे जाए ताले की हबे ऑब्वियसली इट विल बी मूविंग फास्टर, राइट? ताले टेंपरेचर बाढ़ले की हबे आरो फास्ट जाबे। एबार कथा होच्छे कतटा चेंज हबे, हाउ मच चेंज विल टेक प्लेस, वो कैसे निकालबे। टेंपरेचर क्या चेंज कर रहा है? डेंसिटी को चेंज कर रहा है, मतलब इन सिंपल टर्म्स वॉल्यूम चेंज कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली एयर का वॉल्यूम बोल के कुछ नहीं होता है, वो तो एकदम पूरा यूनिवर्स में है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर को टेम्परेचर के साथ क्या डिपेंडेंसी वो निकालना चाहते हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि गैस का वॉल्यूम चेंज करता है V equal to V naught into 1 plus गामा। हाँ, गामा क्या होता है मालूम है? 1/273। गामा नहीं लिख रहे हैं, क्यों? लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा, वो गामा ये गामा अलग है एक्चुअली। So, अगर ये वॉल्यूम का रिलेशन है तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, राइट? तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर रो इक्वल टू एम बाय वी, रो इक्वल टू एम बाय वी होगा, सो दैट इज इक्वल टू और एंड रो नॉट इज इक्वल टू एम बाय वी नॉट। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो v इक्वल टू m बाय रो हो जाएगा और v नॉट इक्वल टू क्या होगा, ये अगर हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो m बाय रो इज इक्वल टू m बाय रो नॉट इनटू 1 प्लस, राइट? सो mm कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से और हम लोगों को क्या मिलेगा? अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। t बाय 273 होल टू द पावर माइनस 1, यस सर, बोल सकते हैं इसे सबको रेसिप्रोकल कर देना, बोलते भाई एक बार velocity at any temperature is V equal to root over of gamma P by rho, right? Root over of gamma P by rho. थोड़ा छोटा सा confusion होगा यहाँ पर, ये जो है ना ये volume है और इधर जो velocity लिख रहे हैं वो V है, वो velocity है, इसलिए थोड़ा यहाँ वॉल्यूम लिख लेना, नहीं तो यू गेट कंफ्यूज कि क्या वेलोसिटी क्या तो प्रॉब्लम होता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गामा पी तो जैसे है रहने दो, अब ये रो का वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं रो नॉट इनटू 1 प्लस टी बाय 273 टू द पावर माइनस 1, तो ये ऊपर चला जाएगा और हम अगर इसको गामा पी बाय रो नॉट को अलग कर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 plus t by 273 whole to the power, sorry,
क्यों हाफ लिख के समझ में आया? पहले तो ये नीचे डिनोमिनेटर में माइनस वन था, ऊपर जाके तो प्लस हो जाएगा, और फिर रूट है, रूट के लिए क्या हो जाएगा, इसमें टू द पावर हाफ हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा सर? एक बार एक ए जे वस्तुटा, व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ सम एट राइट, दिस इज वेलोसिटी, रो नॉट लिखे थे ना, रो नॉट इज फॉर जीरो डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रो नॉट इज फॉर जीरो डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम लोग लिख रहे हैं, लेट अस से दिस इज इक्वल टू वी नॉट, कौन सा वस्तु अच्छा होगा, वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर, माय हैंड कांट कीप अप, सॉरी, वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। So v is equal to, ये v क्या आएगा, will be equal to, ये पूरा चीज को हम लोगों ने क्या लिया है, at so that is v not, तो समझ में आ रहा है ना, तो हम थोड़ा तेज बोलते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना, right? And ये what will this be, 1 plus t by 273 to the power half, एबर रिमेंबर वी डिड दिस इन ग्रेविटेशन आल्सो, कि पावर में अगर कोई फ्रैक्शन या नेगेटिव होता है तो उसको बाइनोमियली एक्सपेंड करके वो क्या होता है, सिर्फ सामने आ जाता है, मतलब ये था सामने आ जाएगा इनटू टी बाय, जब भी ये लिख करोगे ना तुम लोग पास में लिख लेना है एक्सपेंडिंग बाइनोमियली एंड नेग्लेक्टिंग higher order terms, higher order terms, clear? So you've got the relation, तुम वो books है sums करने चाल कर दो, हमारे के v equal to v naught into इसको ना multiply कर देते हैं, ठीक है? और मुझे एक चीज कैलकुलेटर में करके दिखा देख पाओगे कि 1 by 2 into 273 ये डेसिमल में कितना आ रहा है, 0.61 माने 0.061 आना चाहिए, एक बार कैलकुलेट कर लो, 0.061 आना चाहिए, 1 by 273 हां 1 by that, अच्छा अब हम क्या करना चाहते हैं, एक्चुअली ये फॉर्मूला से कोई भी सम कर पाओगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि एक पर डिग्री सेल्सियस कितना वेलोसिटी चेंज होना चाहिए वो निकालने का कोशिश कर रहे हैं, कि अगर टेम्परेचर मान लो अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर ये 26 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो साउंड कितना ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा, हाउ मच मोर, मतलब चेंज कितना होना चाहिए, तो चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये फाइनल है और ये इनिशियल था, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी बाई 273, राइट। अब देखो वी नॉट को हम लोग 330 ले लेते हैं, 330 मीटर पर सेकेंड, तो ये थोड़ा बुक में देखना, ये 334 या 331 इसके आसपास होगा, हाँ हाँ, ओ और राइट 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 राइट, टू कहाँ गया, टू नहीं कहाँ, हाँ टू कर राइट। तो अब ये V नॉट 330 है, तो तुम्हारा जो आंसर आ रहा था ना उसके साथ 330 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा था, जो आंसर आ रहा था उसके बाद उसके साथ 330 मीटर पर सेकंड, हां 330 एट मल्टीप्लाई करना 0.604 करो करो,
सो वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 330 बाय 2 इंटू 273 इंटू टी. This should come out around 0.061 t meter per second. So what does this signify? It signifies that k agar 1 degree temperature change karega, to speed will change by 0.061 meters. So अब टेम्परेचर कुछ भी चेंज करेगा, 2, 3, 4 हम लोग टी की जगह में वो वैल्यू डालेंगे और हम लोगों को कितना चेंज होगा पर सेकंड वो मिल जाएगा. तो बोला मुझे ऐसे नीचे नाम सर कौन टाइप कौन टाइप बोलो 330 बाय 2 इनटू 273 आते 0.06 आज पे तब पर हम तो डेसिमल टाइप नाम ऐसे करते वाले एक तो आवाज़ आता है 0.6 0.6 0.6 0.61 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
टू टेम्परेचर के अंदर तो हम लोग इतना कुछ बना लिए, छोड़ो अब तुम लोगों को याद क्या रखना है सर, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस, तुम लोगों को सिर्फ ये वाला क्वेश्चन याद रखना है और ये जो बॉक्स उस वो सम में यूज करेंगे, सम में लगेगा चाहिए होगा, ठीक है। वन टू हो गया है, थ्री व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है ह्यूमिडिटी, साउंड का वेलोसिटी ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसका मतलब अगर ह्यूमिडिटी चेंज होता है तो साउंड का वेलोसिटी चेंज हो जाता है, क्यों, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है सर, डेंस एयर, क्या मतलब हुई है सर, मतलब भारीपन हवा का, तो भारीपन किस लिए होता है, वाटर वेपर के लिए, राइट। तो जो मॉलिक्यूल्स एयर का ऑक्यूपाई कर रहे थे जगह को, वही मॉलिक्यूल्स कौन आके ऑक्यूपाई कर रहा है, वाटर वेपर, तो मतलब क्या एयर का मॉलिक्यूल्स तो हटना पड़ रहा है ना वो वाटर वेपर को जगह देने के लिए, तो ड्राई एयर का डेंसिटी क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। सो ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस इंप्लाइज ड्राई एयर डेंसिटी डिक्रीजेस implies velocity of sound increases, क्यों, dry air density घटेगा तो density घटेगा तो velocity of sound बढ़ जाएगा, इसीलिए during the monsoon season तुमको देखना जब बारिश just हो जाता है ना, just हो जाता है या बारिश होने वाला होता है तब noises बहुत ज्यादा सुनाई देता है, ये थोड़ा परसीव करने का कोशिश करेगा करना, डोंट कंपेयर इट विद द विंटर सीजन, क्यों, क्योंकि विंटर सीजन में नहीं हवा डेंस रहता है और उससे ज्यादा चीज ये होता है कि कोई फैन नहीं चलता है ना किसी घर में, तो इसीलिए आवाज कम होता है, तुमको लगेगा विंटर सीजन में ज्यादा आवाज सुनाई देता है, दूर का आवाज भी सुनाई देता है, ठीक है, क्यों यदि ट्रेन स्टेशन के काछाकाछी थाको तो शीतकाले ट्रेनेर आवाज सुना जाए, আমরা এখানে এখান থেকে শোনা যায় ইয়ার স্টে বালিগঞ্জের না, এখানে আমরা যেটা শুনতে পাই সেটা হচ্ছে লেক গার্ডেন্স এর আওয়াজটা, লেক গার্ডেন্স টা একদম কাছে, ওখানকার আওয়াজটা পরিষ্কার শোনা যায় কিন্তু সেটা শীতকালে শোনা যায়, অন্য সময় শোনা যায় না, ওয়াই, বিকজ অফ দ্য লো নয়েজ, নট বিকজ অফ দ্য হিউমিডিটি, বাট হিউমিড দিনে দ্য স্পিড অফ সাউন্ড অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজেস, মানে দ্য সারাউন্ডিং বিকামস মোর নয়েজি, আরো নয়েজি হয়ে যায়, এনিহাউ ওভার, এন্ড অবভিয়াসলি ফোর্থ পয়েন্ট ইজ উইন্ড স্পিড, wind speed, wind speed माने wind का speed जितना ज्यादा होगा और उसी direction में होगा, sound जिस direction में जा रहा है उसी direction में होगा, तो
तो ऑब्वियसली द इफेक्टिव वेलोसिटी विल इंक्रीज, क्योंकि साउंड ही क्या माने एयर ही साउंड कैरी कर रहा है और एयर खुद भी मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्पीड विल इंक्रीज, और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो स्पीड विल डिक्रीज, एज सिंपल एज दैट। सो विंड स्पीड में हम लोग क्या लिखेंगे, इफ एयर फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड then speed of sound increases else decreases, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड ये सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और करता नहीं है किस किस के ऊपर, बाकी क्या क्या है बाकी तो पृथ्वी में सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा बहुत लिख भी लेना पड़ेगा। सो फैक्टर्स दैट डज नॉट इन्फ्लुएंस स्पीड ऑफ साउंड, डज नॉट इन्फ्लुएंस, अच्छा फैक्टर्स है ना, पहले डू नॉट हो गया, इंग्लिश तो गैस, डू नॉट इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि फर्स्ट यू हैव लर्न प्रेशर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि प्रेशर चेंज होता है साथ साथ डेंसिटी भी चेंज हो जाता है, ठीक है। विद द चेंज इन प्रेशर डेंसिटी ऑल्सो चेंजेस प्रोपोर्शनली, density also changes proportionately, it is proportionately, yeah, yes or no, with the change in pressure, it is pressure, and it is proportionately, yes, so, hence, no net change, net change, proportionally, ah, okay, next, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी साउंड का, फ्रीक्वेंसी के ऊपर साउंड का वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है, और जस्ट वी कैन सी हाउ इट डज नॉट डिपेंड, 1 2 3 3 হচ্ছে আর কিছু ऊपर डिपेंड करना, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स जिसके ऊपर डिपेंड वो नहीं करता है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। Clear? So, that is all about the sound waves. Sound waves, यहाँ पर खत्म होता है।